सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि, आपके साथ एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत करती हूं आज के इस एपिसोड में। एक नया शो और एक नई प्लेलिस्ट के साथ मैं यहां पर आई हूं। वैसे आज की जो प्लेलिस्ट है ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अक्सर हम यहां पर वो किस्से और गाने सुनते हैं जिनमें इश्क, दर्द, दोस्ती और शादी जैसे इमोशंस का जिक्र होता है, लेकिन आज हम उन गानों को सुनेंगे जिनमें खाने का जिक्र किया गया है। वो गाने जिनमें प्यार इमली से, अनार, चॉकलेट, पान से है। वैसे पान से अगर कोई याद आता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है। हाय, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की। हाय, अच्छा, आई कैन डू दैट रियली वेल। लेकिन अमित जी बहुत ही बड़े फूडी रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जब वो जलेबी, पान और खीर हर रोज अपने सेट पर मंगवाया करते थे। उस दौरान सिंगर्स की डेडिकेशन इतनी रियल होती थी कि वो गानों को सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि महसूस करते थे और उसके अंदर के इमोशंस को जिया करते थे। जैसे ये जो गाना है खाई के पान बनारस वाला, इसमें किशोर दा ने असली में कुछ 52 पान चबाए थे, 52 पान अपने मुंह में चबा करके थूकते गए थे, और फिर जो वो आवाज आती है उस आवाज में इन्होंने ये गाना गाया था। तो चलिए शो की शुरुआत इसी गाने के साथ करते हैं। किशोर दा की आवाज में सुनिए ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं रुचि आपके साथ। अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खैके पान बनारस वाला, ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया। पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से, मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई। हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी। वावा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे बा,
छोरा गंगा किनारे वाला ओ खैके पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ खैके पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला सारे गामा कारवा कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। वेलकम बैक। आज की ये जो प्लेलिस्ट है ये खाने पीने की चीज़ों से मैंने बनाई है। कुछ ऐसे गाने जो कि खाने का प्यार जो है वो दिखाते हैं, हाय ट्रू लव। वैसे बॉलीवुड में ज़्यादातर खाने से जुड़े गाने जो हैं वो लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। सच में क्या आप जानते हैं लता जी को भी खाना बनाने का बड़ा ही शौक था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में खाना बनाना सीख लिया था और वो भी अपनी नानी और अपनी मम्मी से। उनकी बेस्ट डिश अगर कोई है तो वो कोल्हापुरी मटन और सब्जी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने कलीग्स से म्यूजिक के साथ साथ कुकिंग भी सीखा करती थी। जैसे लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी जी की वाइफ से उन्होंने मुगलई खाना बनाना सीखा था। और लता जी को यश चोपड़ा जी के घर का खाना भी बहुत पसंद था, तो वो अक्सर मीटिंग्स या फिर म्यूजिक से रिलेटेड डिस्कशंस जो थे वो खुद ऐसा कहती थी यश जी से कि ये मीटिंग तो आपके घर पर ही करेंगे और आपने हमारे लिए मुगलई खाना बनवाना होगा। वैसे तो लता जी को तीखा खाना बहुत पसंद था,
लेकिन अपनी आवाज के लिए उन्होंने स्पाइसी खाना भी छोड़ दिया था। तो सोचो काम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन कॉन्सर्ट से पहले वो बहुत कम खाया करती थी और अपने साथ शहद और पानी रखती थी। ऑल्सो हिंदी सिनेमा के एक महान म्यूजिक डायरेक्टर कुक भी रह चुके हैं और दिलीप कुमार, लता दीदी से लेकर अमिताभ जी खुद इनके खाने की वाहवाही करते थे। कौन है ये शख्स बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अगला गाना, खट्टे मीठे दोस्ती के रिश्ते पर बना हुआ गाना, दिलीप कुमार और राजकुमार जी की फिल्म सौदागर से, मोहम्मद अजीज सुदेश भोसले जी की आवाज में। हे राजू चल बिरू, हे राजू चल बिरू, चिनक चिनक चिन तारा चिनक चिनक करे बूम, चिनक चिनक चिन तारा चिनक चिनक करे बूम। इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी जिस दिन से तू रूठ गया, जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया, ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई सवेर, इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी सारे गामा कारवा, कमाल की चीज। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। लगती है सारी पहेलियां, ये कौन सा
मेरी सारी बत्तियां गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियां अब मुझे लगती है सारी पहेलियां ये कौन सा मोड़ है उम्र का। मैं मानती हूं कि हर इंसान के दिल का रास्ता होके तो पेट से ही जाता है, चाहे वो आदमी हो या औरत। मैं हूं रुचि, आपके साथ सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। और आज का ये जो शो है ये डेडिकेटेड है उस प्यार के नाम जो कि हम सभी का एक कॉमन लव है, और वो है खाना। जो हम फूड के प्रति जो लव है उसे आज गानों के जरिए दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगी पंचमदा की। अभी मैं बोल रही थी ना कि एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे जिन्हें खाना खाने का और बनाने का दोनों का ही बहुत शौक था, तो वो और कोई नहीं बल्कि पंचमदा ही थे। कुक भी थे और साथ में खाना भी पसंद करते थे। सुना है रफी साहब भी बहुत ही बढ़िया मुगलाई खाना बनाते थे जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने पंचमदा से ही ली थी। पंचमदा को अपने गेस्ट्स को एंटरटेन करना बहुत पसंद था। वो कैजुअली कहते थे कि मेरे कुछ बॉलीवुड के दोस्त घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं और 40 लोग आ जाते थे। ऑल्सो जिन्हें भी वेजिटेरियन फूड पसंद था वो उन्हें करेले खिलाते थे क्योंकि उन्हें खुद वेजिटेरियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही कुछ लोगों को तो उन्होंने मजाक मजाक में सब्जियों के अंदर चिकन मिला मिला करके भी खिला दिया था। वैसे पंचमदा के सिर्फ दो ही पैशन थे, म्यूजिक और फूड। और म्यूजिक के साथ साथ उन्हें खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत पसंद था, स्पेशली अलग अलग तरह की मिर्चियों के साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने किचन गार्डन में अलग अलग किस्म की मिर्चियां उगा के भी रखी थी। लेकिन पंचमदा अपनी फेवरेट डिश खाने के लिए किसी और के घर जाते थे। क्या था ये किस्सा और कौन था वो शख्स बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं पंचमदा का गाना लता जी की आवाज में समाधि फिल्म से। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं रुचि आपके साथ। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे हरे पिया काटा लगा हाय लगा आजा राजा। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया
love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. मिर्ची, चिकदाना, भी चिकदाना, दाने ऊपर दाने।
दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आप हैं मेरे यानी रुचि के साथ। हम बात कर रहे हैं आज उन गानों के बारे में जिनमें खाने का जिक्र हुआ हो। बॉलीवुड में मोस्ट ऑफ द सिंगर्स और एक्टर्स का साइड बिजनेस भी चलता ही रहता था। कुछ एक्टर्स एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन शुरू कर देते थे, तो कुछ फैशन या इंटीरियर डिजाइनिंग, लेकिन कुछ होते हैं जो अपने फूड लव के लिए रेस्टोरेंट ही खोल देते हैं। मैं बात कर रही हूँ आशा भोसले जी की, जिन्होंने दुबई में अपना रेस्टोरेंट खोला है आशाज के नाम से। आप जानते हैं पंचम दा को फ्राइड प्रॉन्स का चिंगरी चाप बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसे खाने के लिए वो आशा जी के घर जाते थे। और इसी कारण से आशा जी ने अपने रेस्टोरेंट में आरडी बर्मन जी के नाम से भी एक डिश रख के रखी है। पीपल लाइक अमिताभ बच्चन जी, शशि कपूर, संजीव कुमार, ये सभी पागल हुआ करते थे आशा जी की बनाई हुई काली दाल और गोवन फिश करी के लिए। देव साहब, यश चोपड़ा जी और पूरे कपूर खानदान को पाया बहुत पसंद था, और जितेंद्र, जीनत अमान, राजेश खन्ना, दिलीप साहब हर हफ्ते आ जाया करते थे। कभी कभी तो एक हफ्ते में दो बार आ जाया करते थे, और बर्मन जी आशा जी से कहते थे कि तुम खाना बनाओ, सब तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। पंचम दा को आशा जी की कुकिंग पे बड़ा गर्व था, और आशा जी के रेस्टोरेंट में भी कोई स्टैंडर्ड रेसिपी या क्लासिक डिशेज नहीं थी। इट्स लाइक घर का खाना फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता। इस तरह से कुछ आशा जी अपने रेस्टोरेंट के खाने को डिस्क्राइब किया करती थी। अच्छा, एक सिंगर ऐसे थे जिन्होंने पंडित नेहरू जी का ऑफर किया हुआ खाना मना कर दिया था। क्या था आखिर ये किस्सा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आशा जी की आवाज में पान खाए सैया हमार। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। पान खाए सैया हमारो, सौली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। पान
वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। और इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह। जब न लाया था ये चटनियां, तुम न थे तो यूं थी जिंदगी यहां, बेनमक हो जैसे फीकी सब्जियां। इश्क का अचार भी न बन सका, उसने जब न लाया था ये चटनियां, उसने जब न लाया था ये चटनियां। हाय हाय इसका मजा जरा, इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। रे धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, जितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह, वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। रफी साहब हमेशा से ही अपने फूड इनटेक को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहे। एक बार रिपब्लिक डे परफॉर्मेंस के लिए उन्हें भी इन्वाइट किया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी को पता चला कि रफी साहब भी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहकर रफी साहब को बुलवाया कि हम भी उनका गाना सुनेंगे और उनसे मिलेंगे, जरा उनको बुला के लेकर आओ। रफी साहब भी बहुत खुश हुए कि उन्हें नेहरू साहब ने बुलाया है, तो वो उनसे मिलने के लिए चले गए। दोनों की मुलाकात हुई, थोड़ी बातचीत हुई। जब नेहरू जी ने रफी साहब को खाने के लिए पानी पूरी ऑफर की, तो उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया। रफी साहब ने कहा, माफ कीजिए लेकिन मैं ये नहीं खा सकता। पंडित जी ने इन रिटर्न कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा सा तो लीजिए। तब रफी जी ने कहा कि पंडित जी, अगर मेरी आवाज सिर्फ मेरी होती तो मैं ये जरूर खा लेता, लेकिन अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं रही, ये तो पूरे हिंदुस्तान की हो गई है, जिसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है, इसलिए मैं ये नहीं खा सकता। ये सुनकर नेहरू जी ने उन्हें शाबाशी दी, गले लगाया, और ये जो किस्सा है ये हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों के दिमाग में याद रह गया। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं अगला गाना रफी साहब की आवाज में अंदाज फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। सुबह
सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। वालू कुछ न मिला पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे गए बाजार में लेने को लट्टू, लट्टू वट्टू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रोटी वोटी कुछ न मिले पीछे पड़ी मोटी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, खुशियों का यही राज है, आधा पौना मत कर, पूरा मजा कर ले, अब दिल तकल्लुफ न कर पगले, फिर नहीं मिलेंगे सारे मुंह में भर ले। लम्हों के रसगुल्ले लजीज मीठे मीठे, लम्हों के रसगुल्ले लजीज
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.